समुद्री उद्बिलाव समुद्र में रहने वाला एक उद्बिलाव है जो कि प्रशांत महासागर के उत्तरी और पूर्वी छोरों के तटों पर पाया जाता है। इस समुद्री स्तनधारी का वजन 14 से 45 किलोग्राम के बीच होता है। समुद्री उद्बिलाव समुद्री स्तनधारियों की तुलना में कम होते हैं। ठंडे समुद्रों में इनकी मोटी और चर्बी युक्त खाले और घने बाल इन्हें गर्म रखते हैं। हालांकि ये जमीन पर चल सकते हैं, फिर भी ये अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। सागर में यह नीचे फर्श तक डुबकी लगाकर जलशाही सीप और मछलियों की कुछ जातियों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। शंख या सीप के अंदर छुपने वाले जानवरों को ये अक्सर पत्थरों से तोड़कर खा जाते हैं, जिस वजह से यह इंसानों के अतिरिक्त उन गिनती के जानवरों में है जो कि औजार का इस्तेमाल करते हैं। किसी जमाने में इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख होती थी, लेकिन सन 1741 से लेकर 1911 तक इनकी खालों के लिए इनका खुलकर शिकार किया गया, जिससे इनके विश्व भर की आबादी केवल 1000 से 2000 रह गई है। उसके बाद इनके शिकार पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी लगने से इनकी संख्या फिर से कुछ बढ़ गई है। अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो ये करीब 15 से 25 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको समुद्री उद्बिलाव के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।